नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पीलिया एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। पीलिया में मनुष्य को भूख लगना बंद हो जाता है और धीरे धीरे मनुष्य की आंखें, हाथ की उंगलियां, नाखून व शरीर पीले पड़ जाते हैं तथा पेशाब भी पीली होने लगती है। आइए जानते हैं पीलिया का इलाज कैसे किया जाए। सर्वप्रथम एरेंड के पत्तों का रस पत्तों को कूट करके निकाल लेंगे और सुबह 3 से 5 चम्मच खाली पेट लेंगे। खाली पेट लेने से 3 से 5 दिन के अंदर भयंकर से भयंकर जॉइंटिस पीलिया ठीक हो जाता है। ताजे पुनर्नवा का रस निकाल लेंगे और उसको सुबह 2 से 3 चम्मच प्रत्येक दिन लेंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे 3 दिन के अंदर भयंकर से भयंकर पीलिया ठीक हो गया। पुनर्नवा का रस हमारे लीवर के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इसे प्रत्येक दिन सुबह 2 से 3 चम्मच खाली पेट लेना चाहिए। इससे भयंकर से भयंकर पीलिया रोग ठीक हो जाता है। टोटला व सोनाक की छाल का रस 2 से 3 चम्मच रोगी को पिलाने से भयंकर पीलिया ठीक हो जाती है। इसके रस को पिलाने से हेपेटाइटिस बी तक समाप्त हो जाती है व लीवर की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। भूख लगने लगती है व मनुष्य स्वस्थ हो जाता है मात्र 2 से 3 दिन के अंदर। ये बहुत ही फायदेमंद रस होता है। टोटला व चाणक की छाल को निकाल लेंगे, उसको कूट लेंगे और कूट कर उससे निकले हुए रस को रोज सुबह 2 से 3 चम्मच खाली पेट लेने से भयंकर पीलिया व हेपेटाइटिस भी ठीक हो जाता है। पीलिया के प्रत्येक रोगी को नियमित रूप से कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से कपालभाति प्राणायाम नियमित रूप से करते हैं उनको पीलिया, ज्वाइंटिस, हेपेटाइटिस बी संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या कभी भी नहीं हो सकती है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति के दाहिने हाथ में सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका व उसके ठीक बगल वाली उंगली के मध्य में नीचे की ओर हथेली पर एक प्रेशर पॉइंट होता है, जिस पे प्रेशर दे करके हम पीलिया को ठीक कर सकते हैं व लीवर संबंधी अन्य समस्याओं को भी हम ठीक कर सकते हैं। घी, तेल व तली हुई सब्जियां बंद कर दें। पीलिया के रोगियों को खाने में मड़ुआ व ज्वार की रोटी, चावल, लौकी आदि की सब्जी का सेवन करना चाहिए।